सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इसका नाम है माइंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से आप अपने घर पर पुरानी बाइक की हेडलाइट को तेज कर सकते हैं। जी हाँ, बाइक की हेडलाइट को तेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास एक GD बाइक है बजाज की, इसका रेगुलेटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। एक्चुअली में जो वोल्टेज आउटपुट होते हैं, रेगुलेटर का काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करके आउटपुट करना, एक फ्लो में कंट्रोल करना। अगर उसको 12 वोल्ट देने हैं, इनपुट में अगर 18 से 19 आती है तो वो 12 वोल्ट आउटपुट करता है, पर कुछ समय बाद ये खराब हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी लाइट लो जलती है, तेज नहीं जल पाती। दोस्तों तो आप इसको बाईपास कर कर अपनी हेडलाइट को तेज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो है केवल अपनी हेडलाइट को बाईपास करूंगा, बाकी और सिस्टम को बाईपास नहीं करूंगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास रेगुलेटर में एक आउटपुट वायर निकला हुआ है जो कि हेडलाइट के लिए होता है, येल्लो एंड रेड कलर की वायर होती है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, और इसके साथ ये आउटपुट वायर है जो कि मेरी हेडलाइट के लिए गया है। तो ये आप आइडेंटिफाई आगे से कर सकते हैं येलो एंड रेड वायर को देखकर, और इसके बाद इस वायर को जो है आप कट करके इसमें ब्लू कलर की वायर जो आती है, ये देखिए, मैं भी CDS कॉइल से अपनी जो मेन कॉइल से जनरेटर कह सकते हैं इसे हम, उस कॉइल से जो पावर केबल आई है उस केबल पर हम सीधा इस वायर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, जिससे वो 16 से 14 वोल्ट में हमारा काम करने लगेगी और हमारी हेडलाइट तेज हो जाएगी। इससे हमारी हेडलाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही वो फूकेगी, क्योंकि वो 14 वोल्ट तक मैक्सिमम ले सकती है, और हमारी CDS कॉइल पुराने हो जाने के बाद 14 वोल्ट से ज़्यादा बना भी नहीं पाती है। तो डोंट वरी, आप इसे बाईपास करके अपनी गाड़ी को तेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि भाई लोग मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो इस काम को कर सके। तो ये देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का मैंने वायर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, और ये ब्लू कलर का यहाँ आइडेंटिफाई है, दूसरी बाइकों में दूसरे कलर का भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने कर लिया, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। अभी मैं आपका एक्सीलेटर बढ़ाता हूँ तब आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा एक्सीलेटर बढ़ाने का कितना अच्छा टाइम चल रहा है। अभी ये मेरा लो एक्सीलेटर है और फिर भी ये लाइट काफ़ी अच्छा चल रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।